दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, और डीएक्टिवेट का मतलब यह है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट रहेगा यानी टेम्पररी डिलीट रहेगा, और जब आपका मन हो तब आप उसको यूज कर सकते हैं, वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अकाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा सेम पहले आपने अकाउंट डीएक्टिवेट किया था वही कंडीशन में आपको वापस मिलेगा। तो डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस क्या है उसके लिए लेकर चलता हूं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहां पर दिख रही होगी आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन। तो आपको जैसा जैसा मैं बताऊं आपको सेम वैसा ही फॉलो करना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में। अब आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको नीचे कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल वाला जो फोटो है, प्रोफाइल वाला आइकन, उस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको राइट साइड में थ्री लाइन से इन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक किया, अब यहां पर आपको ऊपर ही ऊपर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, मेरा डायरेक्ट खुल गया है। सेटिंग्स है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद ऊपर से ऑप्शंस है, इनको बाकी को छोड़ते आना। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल डिटेल्स का, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्योंकि आप स्किप करके देखोगे तो कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अब आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फो, डेट ऑफ बर्थ ये शो हो जाएगी। उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, इस पर क्लिक करना है। अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के बाद आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसमें से अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो वो भी शो होगा, बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट तो यहाँ पर शो हो ही रहे हैं। अब अकाउंट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इनमें से डीएक्टिवेट अकाउंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर शो हो गया है डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पर आपको एक रीजन देना है, आप अपने अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आपसे पूछ रहा है, तो आपको रीजन दे देना है। यहाँ पर जस्ट नीड ए ब्रेक, इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते यहाँ पर सामने शो हो गया है कन्फर्म टेम्पररी अकाउंट डीएक्टिवेशन, यू आर अबाउट टू टेम्पररी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, यू कैन डीएक्टिवेट योर अकाउंट एट एनी टाइम थ्रू अकाउंट सेंटर और बाय लॉगिंग इन टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर बताया कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर दो, अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ अकाउंट लॉग आउट होने के बाद क्या होगा और वापस एक्टिवेट कैसे करना है वो भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, यानी कि वो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। अब डीएक्टिवेट हो चुका है आपका अकाउंट, अब आप किसी दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट को सर्च करके देखना, अपने फैमिली मेंबर किसी मोबाइल से या फिर अपने फ्रेंड के मोबाइल से सर्च करना, आपका अकाउंट शो नहीं होगा। आपकी यूजर आईडी सर्च करोगे जब शो नहीं होगा, किसी को भी शो नहीं होगा। और लेकिन जिससे आपने कभी चैट की हुई होगी तो चैट बॉक्स ओपन करोगे, चैट में आपकी चैट उसको दिखेगी, लेकिन आपका नाम शो नहीं होगा, उसमें लिखा आएगा इंस्टाग्राम यूजर, क्योंकि आपने उसके साथ चैट की हुई है, तो चैट तो डिलीट होगी नहीं, इसलिए इंस्टाग्राम यूजर शो हो जाएगा और नीचे आपकी चैट मैसेज शो होते रहेंगे। तो ये तो हो गया, बाकी नए यूजर को या फिर किसी को भी सर्च बार में सर्च करने पर आपका अकाउंट नहीं मिलेगा। अब ये हो गया कि अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो गया। अब आपको वापस अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना हो तो भाई कल की कल कर लेना, या फिर चाहे अभी एक मिनट बाद ही रीएक्टिवेट कर लेना। रीएक्टिवेट करने का प्रोसेस है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लो, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गया, उसके बाद अगर आप वापस फिर से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हो तो भाई 7 दिन का गैप चाहिए। एक बार अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया, फिर रीएक्टिवेट कर दिया, उसके बाद 7 दिन के बाद फिर से अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब 7 दिन का गैप एक बार डीएक्टिवेट से दूसरे डीएक्टिवेट में होना चाहिए। ये हो गया। अब आप सोचोगे मेरे अकाउंट को मैं डीएक्टिवेट को कब तक डीएक्टिवेट रख सकता हूँ? अगर आप जितने लंबे टाइम तक रखना चाहो उतने लंबे टाइम तक रख सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर कहीं भी मेंशन नहीं है आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कब तक डीएक्टिवेट रख सकते हैं। वहाँ पर लिखा है सिर्फ लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, तो लॉन्ग टाइम का मतलब लोग सालों तक भी रखते हैं, और एक साल बाद अगर आपको याद आता है मेरे अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है तो लॉगिन कर लेना, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अकाउंट डीएक्टिवेट करने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, अकाउंट लॉगिन करने में जैसे प्रॉब्लम ना आए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर ऐड करके रखनी है, क्योंकि बाद में आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अकाउंट लॉगिन करोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो आपको इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड करके रखोगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप लॉगिन तुरंत कर पाओगे और अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यह है प्रोसेस अकाउंट डीएक्टिवेट करने का। उम्मीद करता हूं आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और कोई हेल्प चाहिए तो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।